हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएल, व्हिच इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। एंड हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की, व्हाट इज एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम इट स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ एलसीएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब लीस्ट लिखा हो तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, जब मैक्सिमम लिखा होगा तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे। बट ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे अभी किसी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम या एचसीएफ, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो गिवन नंबर्स हैं हमें उसका मल्टीपल निकालना है या उसका फैक्टर, मतलब उनको डिवाइड करना है या उनसे डिवाइड करना है। अगर गिवन नंबर से डिवाइड करना है तो एलसीएम निकलेगा, लेकिन अगर गिवन नंबर को डिवाइड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि एक पर्सन के पास 600 फ्रूट्स हैं, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है कुछ बच्चों में, तो क्या होगा, उन फ्रूट्स को वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक, फॉर एक सिमिलरली वो बोल रहा है कि एक पर्सन है, उसके पास एक मेजरमेंट है, वो 15 सेंटीमीटर नापता है एक बार में, दूसरे के पास जो है वो 20 सेंटीमीटर नापता है, और उसको एक सर्टेन लेंथ मेजर करनी, तो क्या होगा, हम छोटे छोटे से मेजर करके हमें एक बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी होगी, तो हमें वहां पर मल्टीपल निकालना होगा। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए, एलसीएम निकालने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक जिसमें हम सारे नंबर्स का एक साथ निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर दिए हैं, लेट्स सी 12 और 15 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड है दोनों को एक साथ लेकर हम ब्रेक कर लेते हैं। 3 से ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 5 से। अब फर्दर आप देख सकते हैं, अब ये 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा छोटे छोटे नंबर से पूरा एन तक डिवाइड करें। ठीक, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं। तो 12 हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, सिमिलरली 15 हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, अब एलसीएम निकालने के लिए करेंगे, जितने भी यहां पर प्राइम नंबर्स हैं उन सबकी जो हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे। लाइक सबसे पहला प्राइम नंबर 2 आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, दूसरा 3 आ रहा है, इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, सिमिलरली 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट बिकम्स 4 इंटू 3, 12 इंटू 5, 60। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन में किस फॉर्म में देके रखा हुआ है। ठीक है, चल तो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन पे कैसे बनते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्लियर लिखा है कि फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, मतलब इन नंबर्स से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये नंबर डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम हम किसी मेथड से निकाल सकते हैं, 8, 15 एंड 21। तो 3 से देखते हैं, ये 8 नहीं कटेगा, ये 5, ये 7। अब आपको दिख रहा है ये सारे के सारे को प्राइम, इनमें किसी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, विच इज 840। ठीक, तो यही थोड़ी सी स्मार्टनेस है, बाकी आप इसको जनरली जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वो ऐसे करते कि हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, एंड फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जरूर नहीं कि आप हमेशा बिल्कुल लीस्ट नंबर से ही करें, आप थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है। तो वी गॉट द लीस्ट नंबर विच इज 840। ठीक, चल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी देखिए हमारे पास सेम डेटा है, वही का वही जो हमने लिया था पहले, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए लार्जेस्ट पढ़ के हमें एचसीएफ नहीं निकाल लेना है ना, तो वही मैं कह रहा था आपसे। अब देखो अगेन हमें इन सबसे डिविजिबल चाहिए, मतलब इनका एलसीएम होना चाहिए, विच वी नो इज 840, अभी हमने निकाला था। तो 840 वो डिजायरेबल नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है, लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए, हमें तो 5 डिजिट चाहिए, वो भी लार्जेस्ट। तो अब क्या करेंगे कि जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होता है वो 840 से भी डिवाइड, जो 840 से डिवाइड होगा वो इन तीनों से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया और इसके नियरेस्ट देखेंगे हम 840 का, नियरेस्ट नहीं इससे स्मॉल, ठीक है, इससे छोटा बट क्लोजेस्ट जो इसका 840 का मल्टीपल होगा दैट विल बी आर आंसर। तो 1 टाइम्स 840, 9 5 9, एंड एक और 9 हम बोरो कर लेंगे, अगेन 1 टाइम्स इट्स 840, तो यहाँ बचेगा 9 5 7, एक और 9 आ जाएगा, तो ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अच्छा 0 6 एंड 7 5, कितना बच गया, 39, ठीक है। तो इस नंबर में को जब 840 से डिवाइड कर रहे हैं तो 39 बच रहा है, तो अगर मैं इस नंबर में से 39 माइनस कर दूं तो ये जो रिजल्टेंट नंबर होगा 5 टाइम्स 9 माइनस 39 इस 999 60, ये इस 840 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर 840 से डिवाइड हो रहा है मतलब 840 का मल्टीपल, तो ऑब्वियस ही बात है 8 12 एंड 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी आर डिजायर्ड नंबर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन वी हैव द सेम सेट ऑफ नंबर्स, आई डिड नॉट चेंज द सेट ऑफ नंबर सो दैट हम उन्हीं नंबर पे अलग अलग कैसे प्रोसेस कर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम समझ लें। तो वी नो अभी नाउ वी नीड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अगेन हमें पता है कि हमें नंबर तो चाहिए 840 का मल्टीपल चाहिए, तो हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 840 1600। अब देखो 1 टाइम ही डिवाइड हो पाएगा ये, अब ये बचा 760। नाउ अभी जब इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 760 बच रहा है, तो अगर हम इसमें से 760 माइनस कर देंगे तो जो नंबर बचेगा दिस इज 9924, ओके 1 9 ज्यादा हो गया आई थिंक, हाँ 9240, ये वो नंबर हो जाएगा जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 8400 से। बट क्या ये डिजायर्ड नंबर है, क्योंकि डिजायर्ड नंबर तो हमारा 5 डिजिट नंबर था और ये जो नंबर आया है ये 4 डिजिट आया है, तो इसको 5 डिजिट कैसे कर सकते हैं हम, इसमें फर्दर 840 ऐड कर सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल निकल जाएगा और ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड भी होगा, ठीक है। हम ये प्रोसेस यहां भी कर सकते थे ये माइनस करने की बजाय, अभी देखो 760 को या तो हम माइनस कर सकते हैं ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या 760 में से हमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 840 से डिवाइड हो जाए, तो अगर हम इसमें से 80 ऐड कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 840 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कितना ऐड करना था 80, तो हम इसमें 80 ऐड करके भी आंसर ला सकते थे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल हमने लार्जेस्ट निकाला था वैसे निकाल लें, और डिजायर्ड रिजल्ट अगर हमारा जो है वो नहीं आता है और वो नंबर छोटा हो जाता है तो हम फर्दर 840 उसमें या एलसीएम जो भी होगा उसको ऐड हम कर देंगे, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ओके ओके ठीक है, अभी सेट ऑफ नंबर्स हमारा चेंज हो गया है। नाउ वी सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो इन सबसे डिवाइड होंगे। सबसे पहले देखते हैं इन सबसे डिवाइड होंगे मतलब क्या होना चाहिए, इनका एलसीएम या एलसीएम का कोई भी मल्टीपल, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और फर्दर जो होंगे वो कॉमन मल्टीपल हो जाते हैं। तो हम इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं 8 12 एंड 30 का, 3 से डिवाइड किया 8, 4
एंड 15, फाइनली 5 से डिवाइड किया, 8, 4 एंड ओह सॉरी इट्स 10, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2. नाउ वी गॉट, ये इनका हाईएस्ट तो 2 की पावर 3 या 8 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 3 × 5 × 8 विच इज 120. सो 120 इज द लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, हमसे पूछा है कि 3 डिजिट कैसे, कितने नंबर हो सकते हैं, तो जो भी नंबर 120 के मल्टीपल होंगे वो सब इन तीनों से डिवाइड होंगे. तो 120 के मल्टीपल देखो 3 डिजिट में कहाँ तक जा सकते हैं, 120, 240, 360, 480 एंड देन 600 एंड देन 720 एंड 840 एंड 960. नेक्स्ट नंबर विल बी ग्रेटर देन 3 डिजिट, तो 4 डिजिट हो जाएगा, दैट वोंट वर्क. तो टोटल 8 नंबर्स आ गए. बट यस, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ऐसा हर बार लिख नहीं सकते हैं, है ना? तो इसके लिए हम जनरली क्या करना चाहिए, 3 डिजिट के नंबर होते हैं 999 तक, इसमें देख सकते हैं 120 कितने मल्टीपल हैं. ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, मल्टीपल्स जब हमने डिस्कस किए थे तब हमने उसमें डिस्कस किया था ये. तो ये हमारा कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 8 बार. तो टोटल 8 मल्टीपल्स हैं 120 के जो 999 से छोटे हैं. ठीक, अब इसमें 2 डिजिट का एक भी नहीं है, तो सारे के सारे हमारे काउंट हो जाएंगे, कोई भी हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो अभी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा इसमें, चलिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ. मान लीजिए इसमें 3 डिजिट की बजाय यहां पर पूछा होता क्या, 4 डिजिट्स, तो अब क्या होता, हम 9999 तक निकालेंगे 120 के कितने मल्टीपल हैं, और उसमें से 999 तक के जो मल्टीपल हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे. तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 83, और ये हो जाएगा आपका 8, तो 75. ये 83 वो डिवाइड करके ही आएगा, कोई मैजिक नहीं है, है ना? 120 से डिवाइड करेंगे तो 83 आएगा. ठीक, और हमको डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है, और रिमाइंडर से हमें कोई मतलब है नहीं. ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमने एलसीएम वाले सेशन, मल्टीपल वाले सेशन में पढ़ा था, तो अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप मल्टीपल वाला सेशन जो है वो एक बार देख लें, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा. ओके चलिए एक और क्वेश्चन. हाँ, फ्रॉम अ सर्टेन सिटी बसेस स्टार्ट फॉर 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी 15, 20, 25 एंड 30 मिनट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM. एट वॉट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 8 AM वुड ऑल द बसेस स्टार्ट टुगेदर. ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि एक प्लेस है, लेट्स सी, ये एक प्लेस है, इससे 4 बस 4 प्लेस जाना है, सपोज 1, 2, 3, 4 अलग अलग स्टेशन है. इस स्टेशन पर 8 बजे सब एक साथ निकली, अब इस पर हर 15 मिनट में जाएगी, ये हर 20 मिनट्स में जाएगी, हर 25 में जाएगी, और ये 30 में जाएगी. हमें बताना अगली एक साथ कब निकलेगी. तो देखो इस रूट पर जो बस जाएगी वो हर 15 मिनट पर जाएगी, मतलब 15 के मल्टीपल पर जाएगी. ठीक है, जो इस वाले रूट पर जाएगी ये 20 का मल्टीपल होगा, यहां वाला 25 का मल्टीपल और यहां वाला 30 का मल्टीपल. ठीक है, तो हमें कौन सा टाइम चाहिए, जब सारे का मल्टीपल हो, और वो एक ही टाइम होना चाहिए जब चारों बस एक साथ जाएंगी, तो कॉमन मल्टीपल, और हमें नियरेस्ट टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हम इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 से ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, और इसमें से चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 2, 5, 3, फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 5 एंड 1. तो एलसीएम कितना हो गया, 5, 2, 3, 2, 5 विच इज 300. तो हर 300 मिनट्स के बाद सारी प्लेसेस के लिए बसेस एक साथ डिपार्ट करेंगी. तो हम 8 AM से चले थे, 300 मिनट्स हैं, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो कितने 5 आवर्स हो जाएंगे. तो 8 AM से 5 आवर्स करेंगे तो 13 AM या 13 आवर्स, या फिर यू कैन से 1 PM का टाइम होगा जब सारे प्लेसेस के लिए ट्रेन एक साथ डिपार्ट होंगी.
गॉट इट। चलिए, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया क्यों हमने मल्टीपल लिया, क्यों एलसीएम लिया। हाँ, ये जब हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें पहले से पता होता है एलसीएम निकालना, लेकिन जब क्वेश्चन कैट में या किसी अच्छे एग्जाम में आता है तो उसमें आपको सर्च करना पड़ता है कि हम क्यों मल्टीपल निकालें। इसीलिए इसीलिए हमने मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया ताकि आप ये प्रोसेस फॉलो करें, और ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही फॉलो होगी। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टेंट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 दिस। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को इन सब से डिवाइड करना है, ये हमसे बोला है, और रिजल्टेंट में सिर्फ एक नंबर लाना है। तो जब 8 से डिवाइड होगा मतलब 8 का मल्टीपल, 9 से डिवाइड होगा मतलब 9 का मल्टीपल। ठीक है, तो इन सब का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है एक तो, ठीक है, और फिर उसके बाद रिमाइंडर हमें चाहिए है 5। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनका कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो कॉमन मल्टीपल ही पहले तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लें, मतलब एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 9, 14 एंड 20। ओके, इनका एलसीएम तो बहुत ही बड़ा। ओके, तो इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 4, 9, 7, 10। एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इट्स 2, 9, 7 एंड 5। अब देखिए सबके सब 2 प्राइम हो गए, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 7 × 9 × 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 2, 5, 2, 6, ये आ गया एलसीएम। तो ये वो लीस्ट नंबर है जो इन सब से डिवाइड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें रिमाइंडर 5 चाहिए। तो ये नंबर है जो इन सब से डिवाइड होता है, और अगर हम इसमें फर्दर 5 ऐड कर देंगे तो इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ जाएगा। दैट इज क्लियर। हाँ, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी और बची है। आगे क्या बोला है कि हमें नंबर तो इसके क्लोजेस्ट चाहिए, तो मतलब नंबर अभी हमारा छोटा है, तो हम फर्दर इसका मल्टीपल निकालेंगे। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हम मल्टीपल 2520 का निकालेंगे या 2520+5, मतलब 2525 का निकालेंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये जो 5 है ये रिमाइंडर है, ठीक है, विच वी वॉन्ट टू कीप कॉन्स्टेंट। अगर आप इसका मल्टीपल 2025 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए रिमाइंडर को हमें कॉन्स्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, तो हम रिमाइंडर को एज इट इज रहने देते हैं, हम 2520 का मल्टीपल निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10095 को 2520 से डिवाइड कर सकते हैं 4 बार, तो 10080 बच गया 15। इसमें से 15 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 10080। अब ये 10080 एक नंबर है जो इससे डिवाइड होता है, मतलब इन सभी से डिवाइड होता है, 8, 9, 14 एंड 20 से। अब हमें रिमाइंडर 5 चाहिए, तो 5 हम इसमें अलग से ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10085। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, हमने एलसीएम निकाल लिया। जो भी रिमाइंडर होता है एलसीएम के केस में, वो रिमाइंडर हमेशा लास्ट में अलग से ऐड होगा, ठीक है। ऐड करने के बाद हम मल्टीपल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऐड करने के बाद अगर आप मल्टीपल निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, ठीक है। मैंने डेटा इसलिए चेंज नहीं किया ताकि हम आइडिया समझ सके क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम में जब क्वेश्चन करते हैं तो एक तो क्या हो सकता है, नो रिमाइंडर, जो हमने फर्स्ट केस में किए थे, जिसके हमने 4 क्वेश्चन किए थे। हर एक में 4 टाइप आपके बन सकते हैं नो रिमाइंडर में। लाइक सबसे पहला टाइप लीस्ट नंबर, दूसरे टाइप की बात करें तो लीस्ट 4 डिजिट और 5 डिजिट और 6 डिजिट, है ना। और थर्ड टाइप बन सकता है हमारे पास लार्जेस्ट, अगेन 4, 5, 6 डिजिट। और नेक्स्ट हमारे पास बन सकता है हाउ मैनी, ठीक है।
तो ये चार टाइप से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने पहले चारों बनाए थे हमने नो रिमाइंडर के लिए, अब सेम चार आप बना सकते हैं किसके लिए, सेम रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो हमारा ये सेम रिमाइंडर वाला चल रहा है। ठीक है, टाइप टू। अब टाइप टू में हम पहले लीस्ट नंबर निकालेंगे, फिर लीस्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट या लार्जेस्ट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट जो भी है, एंड हाउ मेनी सच नंबर, ये हम सब निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इसको इरेज करके अभी आपको इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 12 एंड 15 का इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 120 प्लस 5। हमें अगर जनरलाइज लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो एलसीएम का कोई भी एक मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, दिस इज द फाइनल आंसर होता है हमारा हमेशा। एलसीएम के हर केस में हमारा आंसर यही होता है, एलसीएम इसका कोई एक मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ऑलवेज यही आंसर होता है। ठीक है, व्हाट एवर द केस, सारे केस में, जिस केस में रिमाइंडर नहीं होता तो आरकेजीए पे 0 आ जाता है, एलसीएम का मल्टीपल आ जाता है, और जिस केस में रिमाइंडर होता है उसमें रिमाइंडर आगे आ जाता है। ठीक, रिमाइंडर में भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट रिजल्ट अल्टीमेटली इसी से आता है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इनका एलसीएम हो गया 120। अभी हमें 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं, और हमें पता है 120 कितने मल्टीपल ले सकते हैं हम, 1 से लेके 8 तक। जब 1 रखेंगे तो नंबर हो जाएगा 120 प्लस 5, और जब लास्ट पर जाएंगे तो नंबर हो जाएगा 960 प्लस 5। तो ऐसे टोटल 8 नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। रिमाइंडर 5 आने से नंबर ऑफ नंबर पे चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ समटाइम्स हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर 996 होता, आप 5 ऐड कर देते तो ये 10,001 हो जाता, तो फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन में नहीं आता। ठीक है, तो वो समटाइम्स हो सकता है मतलब, लेकिन बहुत रेयरली ही होता है, मतलब हार्डली मैंने कभी एक आध बार देखा है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन नंबर ऑफ आंसर्स हमारे सेम रहेंगे 1। ठीक, इसमें अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछा होता तो नंबर क्या होता हमारे पास, 960 प्लस 5। ठीक है, ओके okay. हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 24 एंड 18 लीव्स रिमर 18 एंड 12। अब ये आ गया हमारे पास टाइप 3 का। अभी हमने टाइप 1 देखा और टाइप 2 देखा, अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या बोल रहा है, उसने हमसे लीस्ट नेचुरल नंबर पूछा है जिसको 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 18 आ जाए, और जब 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 आ जाए। अब देखो आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर अलग अलग है। ठीक है, अब रिमाइंडर अलग अलग है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, चलो ये भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं डिवीजन का मतलब क्या होता है। देखिए डिवीजन के ना 2 मतलब होते हैं, एक तो आपका मीनिंग ये होता है कि ये एक पिज्जा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस टाइप का डिवाइड जब हम आंसर लाते हैं डेसिमल में। ठीक है, लेकिन जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तब डिवीजन इस टाइप से नहीं होता है, वो डिवीजन तब डिवीजन का मतलब हो जाता है रिपीटेटिव सबस्ट्रक्शन। चलिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर है 23, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 रिमाइंडर 2। इसका मतलब क्या होता है, हमने इस 23 में से इस 7 को 3 बार सब्ट्रैक्ट किया और फाइनली 2 बच गया। ठीक है, बट वॉट विल, वॉट अगर हम इसको 3 बार की बजाय 4 बार माइनस कर दें तो कैसा आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करते हैं, हम रिमाइंडर में से डिवीजर को 1 बार और माइनस कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, हमने पहले जब रिमाइंडर वाला किया था 11 से डिवीजन वाला, उस वक्त हमारा देखा था कि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, तो हमने पॉजिटिव करने के लिए उसमें डिवीजन डिवीजर ऐड कर दिया था, दिस वॉज द रीजन। तब मैंने आपको बोला भी था कि एलसीएम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप क्या करेंगे, ये रिमाइंडर है और ये डिवीजर, रिमाइंडर में से डिवीजर को माइनस करेंगे, देखो तो हमारे पास रिमाइंडर फिर से सेम आ गया, लेकिन इस बार रिमाइंडर
नेगेटिव है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब लीस्ट नंबर निकालना है तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 एंड 18 का। हाँ, 6 4 जा एंड 6 3 जा, तो एलसीएम हो गया 6 × 4 × 3 विच इज 72। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 प्लस रिमाइंडर है हमारा -6। रिमाइंडर प्लस ही करेंगे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव में सेम नहीं होता है तो हम रिमाइंडर को नेगेटिव में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि नंबर कहीं नेगेटिव में सेम रिमाइंडर तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड बाई 8 लीव्स रिमाइंडर 3, डिवाइड बाई 14 लीव्स रिमाइंडर 9। पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, लेट्स चेक द नेगेटिव रिमाइंडर। 3 − 8 इज -5, 9 − 14 इज -5। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, -5। अब हम 8 एंड 14 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 × 4 × 7 विच इज 56। तो हमारे पास रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा, 56 का कोई एक मल्टीपल प्लस माइनस का 5, दिस शुड बी आर आंसर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए इसमें, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली जो हम पहले कर रहे थे, हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखा और इसको डिवाइड करेंगे हम एलसीएम से विच इज 56। ओके, 5 8 जा 448 बचेगा, 3 2 कितना हो गया, जैसे 2 चले गए थे, 1 और 1 और 1 और 0 बचा है अभी। 5 5 जा 25, 250 प्लस 30, 280 बच गया 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर में से हम 40 माइनस कर सकते हैं, अगर 40 माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट जो नंबर होगा वो 56 का मल्टीपल होगा, लेकिन माइनस करने से हमारा नंबर 6 डिजिट से छोटा हो जाएगा। तो हम माइनस करने की बजाय क्या करेंगे, इस 40 में कितना ऐड करेंगे हम, 16, तो ये 56 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इस नंबर में 16 ऐड कर लिया और हमारा नंबर क्या आ गया, 100016। ये हो गया हमारा 56 का मल्टीपल और इसमें से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, वी विल गेट द डिजायर्ड नंबर 1000 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस हमने देख लिए, पहला नो रिमाइंडर, दूसरा सेम पॉजिटिव रिमाइंडर, तीसरा सेम नेगेटिव रिमाइंडर, 3 वैरायटी हमने इसमें देख ली है अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस जो है हम अगले सेशन में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।